नमस्कार जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गणेश जी को प्रसन्न करने चाहते हैं आप लोग तो करें ये छोटे छोटे उपाय, जिससे होगी आपके घर में बरकत ही बरकत। गणेश जी को बुद्धि के देवता माना जाता है। उनकी उपासना से हर तरह के विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। श्री गणेश बहुत छोटे छोटे उपायों से भी खुश हो जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ बहुत सरल उपाय, जिन्हें करने से गणेश जी की अनुकंपा और आशीर्वाद मिलने लगता है व धन व बुद्धि की कमी नहीं होती है। दोस्तों, भगवान गणेश को इस दिन घी और गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद घी और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर के में धन व खुशहाली आती है। दोस्तों, अगर घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो घर के मंदिर में सफ़ेद रंग के गणपति की स्थापना करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार की बुरी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। दोस्तों, भगवान गणेश को रोजाना थोड़े चावल अर्पित करें और जिस दिन विसर्जन करें उस दिन उन चावलों को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखें, बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, भगवान गणेश को जो है आप कुछ अक्षत जरूर चढ़ाएं और जो अक्षत आपने लाल कपड़े में जो आपके इकट्ठे हो गए हैं उन्हें आप अपनी तिजोरी में रख लें तो आपके घर में हमेशा तिजोरी जो है रुपए पैसों से भरी रहेगी। तो अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ना किया हो तो अभी अभी तुरंत कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।